तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है, उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई है फॉर्मर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को लेके। उसमें उन पे ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, ब्रिज व रोड कंस्ट्रक्शन में किसी को फेवर दिया है। तो हम उसी खबर को और डीपली जानते हैं। तो पब्लिक इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन में ये कहा गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑफिस ऑफ स्पेशल ड्यूटी राकेश कुमार को एक ब्रिज व रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो कि बहुत कम समय में उन्हें सौंपा गया, और उस रोड का कोई भी पब्लिक यूज़ नहीं था, और जो कॉन्ट्रैक्ट में बिडिंग होती है उसमें भी ज़्यादा समय नहीं दिया गया किसी को। पिटीशन को सुनते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हमें उस रोड की फ़ोटोग्राफ्स दीजिए या उसका कोई मैप दीजिए, जिससे कि हम बता सकें ये क्लेम सही है कि नहीं। जिन्होंने पिटीशन दायर की है उमेश शर्मा, उन्हें 3 हफ्ते का नोटिस आए कि प्रूफ इकट्ठा करें और फिर वहां सबमिट करें। लेकिन जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के वकील हैं एडवोकेट जनरल SN बुलबुलकर, उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये पब्लिक इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो इस पे हाई कोर्ट ने ये कह के उन्हें बिठा दिया कि आप अपना कंटेंशन रिपोर्ट हमें सौंपिए 3 हफ्ते में, उसके बाद ही हम इस पे कुछ विचार करेंगे। ये पहला ऐसा केस नहीं है जिसमें जो उमेश शर्मा है उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत पे ऐसा आरोप लगाया हो। इससे पहले लास्ट ईयर उन्होंने एक PIL दायर की थी, जिस पर उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर ब्राइब का आरोप लगाया था। लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि पूर्व चीफ मिनिस्टर ने ब्राइब किसी से घूस ली थी जब वह झारखंड के हेड थे गौ सेवा आयोग के 16 में। रावत ने वह पैसा अपने परिवार के अकाउंट में किसी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसके बाद जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्होंने उमेश शर्मा पर वापस से एलिगेशन लगाते हुए उन पे एक्सटॉर्शन का केस दायर कर दिया कि वह उनसे ये सब करके उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये केस हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने CBI इंक्वायरी बैठाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पे स्टे लगा दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार का केस में क्या नतीजा आता है। अगर आपका इस विषय पे कोई विचार है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।